आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत जी, जो कि इस उम्र में भी एक युवाओं की तरह हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और प्राकृतिक चिकित्सा और योग से काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। भारतीय योग संस्थान में काफी सालों से आप दिल्ली में अभ्यास कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं और इनसे हम जानते हैं कि निसर्ग जीवन केंद्र सोनीपत में प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आपको कैसा लगा। देखिए, यहाँ पर आए और डॉक्टर सक्सेना जी से मुलाकात हुई, उनका सदव्यवहार, यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोगों का सहयोग हमको बहुत मिला और अच्छा कार्य चल रहा है और काफी कम दामों में भी है। ज्यादा प्रॉफिट का वो नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार हो और हमारे भारतीय समाज के लोग प्राकृतिक चीजों से जुड़ें, जो विद्या हमारे यहाँ वेदों से ज्ञानों से मिली है उनका हम उपयोग करें। प्रथम सुख निरोगी काया बताया है। निरोगी काया कब होगी? जब आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप ऊपर उठेंगे। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो बीमारियां हैं वो आपके पास नहीं फटकेंगी। और यहाँ पर आकर ये अनुभव हुआ मेरे को भी, जो थोड़ी सी परेशानी थी, मेरा सिर जो है वो जमीन से नहीं लगता था शवासन में, वो यहाँ पर आकर मैंने कल ये अनुभव किया कि 20 मिनट तक मैं वैसे ही लेटा रहा। वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा है और गर्दन की जो प्रॉब्लम थी वो भी थोड़ा सा उसमें रिलीफ है, थोड़ा सा रिलीफ है। और कोई वैसे मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन कल एक लड्डू ज्यादा खा लिया था उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये डॉक्टर साहब का सहयोग है और ये मिसेज सक्सेना भी, हमें बहुत अच्छा लगा व्यवहार और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़कर आगे भी इनका सहयोग करेंगे, लोगों को भी भेजेंगे और इस प्रकार ये हम बहुत अच्छा अनुभव रहा। और रीढ़ की जो प्रॉब्लम थी उसमें भी मुझे रिलीफ मिला काफी, और कोई ऐसा घुटने वगैरह में दर्द नहीं था, मगर यहाँ जो मालिश हुई और स्ट्रीम बात हुआ, जो क्रियाएं हुई उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी कृपा बनाए रखें, हम आपके पास आते रहें। ईश्वर से ये प्रार्थना है, स्वस्थ रहें सब लोग, मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।